बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एस्ट्रोलॉजर अली जिंजानी AQTV से हाज़िर हूँ आप लोग के साथ। नाज़रीन, दिल से फैसले करने वाले और दिमाग से फैसले करने वाले कौन लोग होते हैं? हाथों में सबसे नुमाया नज़र आने वाली वो लकीरें जो किसी भी इंसान की खूबियों और खामियों का पता देती हैं। दूसरों की शख्सियत को परखने और इनकी शख्सियत का जायज़ा लेने के लिए अब बहुत से नफ्सियाती और साइंसी तरीके रवाज पा चुके हैं, लेकिन एक माहिर पामिस्ट महज हाथ और लकीरें देकर ये मसला हल कर सकता है? अब तो कई प्रोफेशनल इदारे भी अच्छे मुलाजमीन रखने से पहले पर्सनालिटी का जायज़ा लेने के लिए माहिरीन की मदद हासिल करते हैं। अगर किसी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्टाफ चाहिए तो इसे चाहिए कि वो इस बात का जायज़ा ले कि क्या इसको जज्बाती लोग रखने हैं या दिमाग से काम लेने वालों की ज़रूरत है। किसी भी वर्कर का ये रवैया किसी भी इदारे की तरक्की और बेहतरी में खराबी और भलाई का पेश खैमा साबित हो सकता है। आपने कई हाथों पर ये लकीर तो देखी होगी कि दिल और दिमाग की लकीरें बाम एक दूसरे में ज़म नज़र आती हैं। ये शुरू से आखिर तक एक दूसरे से जुदा नहीं होती। दस्त शनासी के अलूम में ऐसी लकीर हैरत अंगेज होती है। ये लोग दिल और दिमाग से बयक वक्त सोचते हैं। माहिरीन के मुताबिक हर 10 में से एक इंसान की ये लकीरें एक जैसी होती हैं। बाज़ मुहक्किकीन का कहना है कि ऐसी लकीर बंदरों में पाई जाती थी। यही वजह नज़र आती है कि जिन हाथों में ऐसी लकीर मौजूद हो वो इंतहाई चुस्त, बेचैन और अय्यार होते हैं। दिलो दिमाग की एक लकीर हाथ को दो वाज़े हिस्सों में वाज़े तौर पर तकसीम करती है। उनके नीचे और ऊपर भी कई लकीरें मौजूद होती हैं। ऐसी लकीर की मौजूदगी वाला दिल और दिमाग दोनों से यकसा काम लेता है और अनथक होता है। ऐसे वर्कर जिस इदारे में मौजूद हों बड़ी तवानाई से काम करते हैं। एक ऐसी वाज़े लकीर जो दिल से फूट कर दिमाग की तरफ जाती है और इसके आगाज़ में जाकर पेवस्त हो जाती है, तो ऐसा फ़र्द अपने तमाम काम दिल के तहत जज्बाती तौर पर अदा करता है। मंतक दलील को बहुत कम बरूएकार लाता है। इसकी ज़िंदगी में जज्बात ज़्यादा असरअंदाज होते हैं और इसके हर काम में जज्बाती अंसर ज़्यादा होता है। ताहम अगर एक वाज़े लकीर दिमाग की लकीर से निकले और दिल की लकीर में जाकर ज़म हो जाए तो ऐसा इंसान अपने फ़ैसलों में पूरी दिमागी कुव्वत खर्च करता है। इंशाअल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।